आज हम लोग क्लास 11th का केमिस्ट्री का चैप्टर 2 परमाणु संरचना देखेंगे। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे परमाणु क्या होता है। ठीक, वैसे मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ परमाणु क्या होता है। ब्रह्मांड में ऐसी सारी वस्तुएं बहुत छोटी इकाइयों से, जो सरलतम इकाई होता है, सरलतम उसको और भागों में नहीं तोड़ा जा सकता है, वो परमाणु होता है। जैसे आप कोई भी पदार्थ लेंगे, ब्रह्मांड में जो भी वस्तुएं हैं, जो भी हम देख सकते हैं, जो अनुभव कर सकते हैं, जिसका आयतन होता है, द्रव्यमान होता है, वो पदार्थ कहलाता है। ठीक, जैसे कुछ भी हम ले लें, कोई भी वस्तु, पेन, कलम, कुर्सी, टेबल, ये क्या है, ये एक पदार्थ है। और ये किससे मिलकर बना है? परमाणु से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? परमाणु से मिलकर बना है। तो पहले तो कहा गया है कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब तो परमाणु को तोड़ना भी संभव हो गया है। और परमाणु की संरचना, परमाणु सबसे पहले हम देखेंगे परमाणु क्या होता है। ठीक, परमाणु मूल रूप से तीन कणों से मिलकर बना होता है। परमाणु मूल रूप से तीन कणों से मिलकर बना होता है। पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है न्यूट्रॉन और तीसरा है दूसरा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, परमाणु मूल रूप से तीन कणों से मिलकर बना होता है। वैसे तो इसमें बोला गया कि 35 कणों से मिलकर बना होता है, मतलब 35 जो परमाणु बना होता है वो 35 अवयव कण नहीं, अवयव अवयवों जो छोटी छोटी बहुत छोटी इकाइयों से बना होता है, वो अवयव 35 अवयवों से मिलकर बना होता है, जिसको आप घटक भी बोल सकते हैं। उसमें मूल रूप से तीन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिसे इन तीनों को हम फंडामेंटल फंडामेंटल पार्टिकल्स भी कहते हैं। ठीक, परमाणु मूल रूप से तीन कण से मिला, जिसे मूल कण हिंदी में बोलते हैं, इसको मूल कण, और इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक, परमाणु मूल रूप से तीन कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिसे हम मूल कण या फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलते हैं। अब इसमें देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से प्राप्त हुआ, इलेक्ट्रॉन को हम किस, इलेक्ट्रॉन की संरचना क्या होती है, किस तरह इसको हम परिभाषित कर सकते हैं, इसके गुण क्या होते हैं। परमाणु, अब तो परमाणु समझ में आ गया होगा, जो भी वस्तुएं सब परमाणु से मिलकर बनी होती हैं। और परमाणु किससे मिलकर बना होता है? परमाणु मुख्य रूप से तीन अवयवों से मिलकर बना होता है, जो तीन कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब हम पहला नंबर देखेंगे क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किस तरह हुई, इसके गुण क्या है, ये देखेंगे। इलेक्ट्रॉन की खोज, ठीक, देखेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई। तो इलेक्ट्रॉन की खोज, सबसे पहले हम एक परख नली बना लेते हैं।
19वीं शताब्दी में दो वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है प्लकर और क्रुक्स। 19वीं शताब्दी में प्लकर और क्रुक्स ने क्या किया कि एक परख नली लिए, हम एक परख नली ले लिए हैं, इसमें क्या किए हैं, गैस, इसके अंदर गैस भर दिए हैं, ठीक। जब इसके अंदर हम गैस भरेंगे और ये दो इलेक्ट्रोड हैं जिसे हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, विद्युत इलेक्ट्रोड मतलब कोई भी प्लेट, कोई धातु की प्लेट, धातु का इलेक्ट्रोड कहो या धातु की प्लेट, जो धातु की प्लेट लेते हैं और इस परख नली के अंदर क्या भर देते हैं, गैस, कोई भी गैस भरते हैं, ठीक। तो इसके अंदर जब हम गैस भर देते हैं और इस इलेक्ट्रोडों से क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो देखते हैं कि ये जो धातु है या जो गैस है, गैस क्या होती है, उसमें विद्युत का कोई प्रवाह नहीं होता है। इसमें जैसे ही हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो गैस क्या है, विद्युत की कुचालक हो जाती है, मतलब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो ही नहीं रहा है। तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है तो गैस क्या हो गया, विद्युत का कुचालक हो गया, ठीक। तो प्लकर और क्रुक्स ने क्या बोला कि कोई भी गैस जिसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो उसने फिर वैज्ञानिक ने क्या किया कि एक निर्वात पंप लगा दिए, निर्वात पंप या वैक्यूम ट्यूब बोलते हैं, ठीक। जब हम इसमें ये निर्वात पंप या वैक्यूम ट्यूब, कुछ भी हिंदी में निर्वात पंप बोलते हैं, निर्वात मतलब इसके अंदर जो भी गैस है उसको बाहर निकालना, ठीक। तो इसके अंदर पंप की सहायता से, निर्वात पंप या वैक्यूम पंप की सहायता से इसके अंदर जो गैस है, इसके अंदर जो गैस है उसको क्या करते हैं कि हम उसको बाहर निकालते हैं, गैस और जो वायुमंडलीय दाब है। तो जब गैस निकालने के बाद जब हम इस इलेक्ट्रोडों पर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें क्या होता है, एक चमक मतलब प्रकाश उत्पन्न होता है। प्लकर और क्रुक्स वैज्ञानिक ने ये एक परख नली ली, उसमें परख नली में दो इलेक्ट्रोड लगा दिए दोनों साइड, और धातु के दो इलेक्ट्रोड लगा के उसमें क्या किया, इसके अंदर परख नली के अंदर गैस प्रवाहित कर दिया। और जैसे ही परख नली में 10,000 वोल्ट का वोल्ट विद्युत धारा प्रवाहित किया तो इसके अंदर कोई गैस के अंदर कोई प्रभावित नहीं हुआ, गैस के अंदर विद्युत प्रवाह हुआ नहीं। तो जब गैस के अंदर विद्युत प्रवाह नहीं हुआ तो प्लकर और क्रुक्स ने क्या बोला कि कोई भी गैस विद्युत की कुचालक होती है, जब उसमें विद्युत प्रवाह हो ही नहीं रहा है तो उसमें विद्युत की कुचालक होती है। इसमें 10,000 वोल्ट विद्युत धारा का, 10,000 वोल्ट मतलब बहुत ज़्यादा वोल्ट, जैसे हम लोगों के घर में 220 वोल्ट यूज होता है, ठीक, 220 वोल्ट ही बहुत होता है घर के कूलर पंखे जो भी यूज करना हो। अब इसमें कितना प्रभावित किया, 10,000 वोल्ट, कितना वोल्ट, 10,000 वोल्ट विद्युत धारा प्रभावित किया। तो इसके अंदर कोई प्रभाव, विद्युत का कोई प्रवाह नहीं हुआ। जब विद्युत का कोई प्रवाह नहीं हुआ तो वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि कोई भी गैस हम लेंगे तो उसमें जब विद्युत धारा प्रभावित करेंगे तो उसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, तो कोई भी गैस विद्युत की कुचालक होती है। फिर वैज्ञानिकों ने क्या किया कि यहाँ से परख नली से एक निर्वात पंप लगा दिए और उस पंप से इस परख नली के अंदर जो भी गैस दाब है उसको बाहर निकाल दिए, ठीक। कितने बाहर निकाला, जब बाहर निकाला तो देखा कि बाहर निकालने के बाद जब इसमें विद्युत धारा का इलेक्ट्रोडों पर जब विद्युत धारा का प्रवाह हुआ तो उसमें पाया गया कि ये क्या, इसमें थोड़ी सी प्रकाश उत्पन्न होती है, क्या होता है, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हुआ तो इसमें प्रकाश उत्पन्न हुआ, ठीक। फिर वैज्ञानिकों ने क्या किया, प्लकर और क्रुक्स ने क्या किए कि इसमें और कम एकदम विद्युत धारा जो वायुमंडलीय दाब है और जो गैस है उसको और एकदम पूरा यहाँ से बाहर निकाल दिए, मतलब 10^-4 वायुमंडलीय दाब, 10^-4 वायुमंडलीय दाब पर इसको -10^-4 मतलब एकदम कम वायुमंडलीय दाब बाहर निकाला तो इसमें क्या हुआ कि नीले हरे रंग की प्रकाश उत्पन्न हुआ, नीले हरे रंग का प्रकाश हुआ। जब यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित हुआ तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से कुछ किरणें तो जब नीले हरे रंग की प्रकाश उत्पन्न हुआ, अब नीले हरे रंग की प्रकाश कैसे उत्पन्न हुई, क्यों उत्पन्न हुई, तो जब यहाँ इस किरण, इस माइनस ये जो ऋणात्मक जो प्लेट है, ऋणात्मक धातु की प्लेट है, यहाँ से कुछ किरणें सीधे निकलकर किस पर टकराती हैं, प्लस वाले धातु के प्लेट पर। जब प्लस वाली धातु के प्लेट पर टकराती हैं तो इससे क्या निकलता है, एक
प्रकाश उत्पन्न होता है, वो प्रकाश किस तरह का होता है? नीले हरे रंग का, नीले हरे रंग का प्रकाश उत्पन्न होता है। और इस परख नली के अंदर जिंक सल्फाइड भर दिया गया है, इस परख नली के अंदर जिंक सल्फाइड, जब ये यहाँ से कीड़े यहाँ गुजरती हैं इस प्लेट पर, तो इस प्लेट पर क्या होता है कि जब जोर से, मतलब ये कीड़े जब प्लेट पर पड़ती हैं तो क्या होता है कि यहाँ से ये जो स्फुर्दीप्त पदार्थ है, इसको बोलते हैं जिंक सल्फाइड, स्फुर्दीप्त पदार्थ जो है, इससे क्या निकलता है कि नीले हरे रंग का प्रकाश उत्पन्न होता है। तो नीले हरे रंग का प्रकाश उत्पन्न हुआ तो इससे वैज्ञानिकों ने क्या कहा, इस किरण को, जो किरण यहाँ से निकल रही है, इस किरण को क्या नाम दिया, कैथोड नाम दिया, कैथोड। और ये कैथोड कीड़े किसमें होती है, ऋणात्मक में होती है, क्योंकि ऋणात्मक से धनात्मक की ओर प्रभावित कर रही हैं, यहाँ से यहाँ जा रही हैं, तो ये जो कीड़े निकल रही हैं वो ऋणात्मक हैं और जिस पर जाके टकरा रही हैं वो धनात्मक हैं। तो इस ऋणात्मक कीड़ों को क्या नाम दिया, कैथोड नाम दिया। कैथोड जब यहाँ से निकल के प्लस वाले पर टकरा रही है तो ये किसमें होता है, ये ऋणात्मक होता है। कैथोड कीड़े क्या होती है, ऋणात्मक होती है, तभी तो ऋणात्मक से ही तो जाके आगे कीड़ा निकल रही है, जब आगे निकल रही है तो धनात्मक में टकरा रही है, तो उससे इसके अंदर जो जिंक सल्फाइड भरा है, स्फुर्दीप्त पदार्थ जो भरा है, उसी से क्या निकलता है, नीले हरे रंग का प्रकाश उत्पन्न होता है। इसे क्या कहते, यही कीड़े कैथोड कीड़े कहलाती हैं। ये ऋणात्मक द्रव्य कणों से मिलकर बनी होती हैं, ये आप दिख रहा है यहाँ पर ऋणात्मक है, तो ये जो कैथोड कीड़े हैं किससे मिलकर बनी है, ऋणात्मक, छोटे छोटे ऋणात्मक द्रव्य कणों से मिलकर बनी होती हैं, तो ये कैथोड कहलाती हैं। और इन कैथोड़ों को ही क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। इस कैथोड, ये जो कैथोड किरण निकल रही हैं, इन कैथोड को क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। और इस इलेक्ट्रॉन के जन्मदाता किस, सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन को किसने नाम दिया था, स्टोनी ने। ये इलेक्ट्रॉन के जन्मदाता स्टोनी है। सबसे पहले इन कीड़ों को, मतलब कैथोड कीड़ों को इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया, तो कौन सबसे पहले कौन नाम दिया, स्टोनी ने, मतलब इलेक्ट्रॉन के जन्मदाता कौन है, स्टोनी। ठीक, इलेक्ट्रॉन की खोज तो जे.जे. थॉमसन ने किया, लेकिन इसकी इसका जो नामकरण है, सर्वप्रथम जो जन्मदाता है वो कौन है, स्टोनी है। और समझा देते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे परमाणु। परमाणु क्या होता है, कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु है वो किससे मिलकर बनी होती है, परमाणु से बनकर बनी होती है। और परमाणु किससे मिलकर बना होता है, परमाणु मूल रूप से 3 कणों से, वैसे तो परमाणु 35 कणों से मिलकर बना गया है, लेकिन इसमें मूल रूप से बताया गया है, जो उसमें ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, मूल रूप से 3 कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन तीनों कणों को मूल कण या फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलते हैं। ठीक, सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन की खोज, अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, तो इलेक्ट्रॉन 19वीं शताब्दी में प्लकर और क्रूक्स वैज्ञानिक ने क्या किया कि गैसों में विद्युत धारा का प्रवाह किया। ठीक, गैसों में विद्युत धारा का प्रवाह किया, तो गैस में विद्युत धारा का प्रवाह हुआ नहीं, तो उसने क्या, सर्वप्रथम क्या किया कि परखनली लिए, परखनली में गैस भरा। ठीक, कोई भी गैस, परखनली में गैस भर के उसके दोनों साइड क्या किए, धातु के दो प्लेट दोनों साइड से लगा दिए, धातु की दो प्लेट। ठीक, अब इसमें क्या किए कि धातु की दो प्लेट लगा के उसमें 10,000 वोल्ट का विद्युत धारा प्रवाह किया। ठीक, जब यहाँ से 10,000 वोल्ट विद्युत धारा इस परखनली के अंदर गया, तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हुआ, इसमें विद्युत धारा, परखनली के अंदर जो गैस भरा है उसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हुआ। जब विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हुआ तो क्या कह सकते हैं कि गैस विद्युत की कुचालक होती है, क्योंकि हम इसके अंदर विद्युत प्रवाह किया तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह कहीं पर कोई भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं हुआ। तो कोई भी, जब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं हुआ तो हम क्या बोल सकते हैं कि विद्युत धारा, गैसों में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो गैसों में जब विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है तो उसने, फिर वैज्ञानिकों ने क्या किया कि परखनली में एक निर्वात पंप लगा दिए, जैसे वैक्यूम पंप भी बोलते हैं। यहाँ से इसके अंदर जो भी गैस
जो गैस है वायुमंडलीय दाब है उसको सब निर्वात पंप की सहायता से बाहर निकाल दिए। जब यहाँ से निर्वात पंप की सहायता से जो गैस है उसको बाहर निकाला, फिर इसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह किया। तो जब विद्युत धारा का प्रवाह किए तो क्या हुआ कि प्रकाश उत्पन्न हुआ। ठीक, इस परखनली के अंदर क्या देखने को मिला कि प्रकाश उत्पन्न हुआ, थोड़ा बहुत प्रकाश उत्पन्न हुआ। तो जब प्रकाश उत्पन्न हुआ तो इसको और एकदम शून्य दाब पर इसमें से क्या किया कि हम 10^-4 वायुमंडली दाब, या कह सकते हैं 0.01 मिलीमीटर पर इसमें सारे गैस, इससे एकदम शून्य दाब पर सारे गैस जब बाहर निकाले तो इसमें से जब विद्युत धारा का प्रवाह हुआ, तो जब विद्युत धारा प्रवाह हुआ तो कैथोड यहाँ से इस प्लेट से हमारी ऋणात्मक प्लेट से छोटे छोटे कीड़े, मतलब ऋणात्मक प्लेट से जो कीड़े निकलती हैं प्लस वाली कीड़ों पर क्या करती हैं कि टकराती हैं, तो उससे क्या होता है नीले हरे रंग की प्रकाश उत्पन्न होता है। नीले हरे रंग का प्रकाश कैसे उत्पन्न होता है, इस परख नली के अंदर क्या भरा है, जिंक सल्फाइड भरा है। क्या भरा है, जिंक सल्फाइड। इस जिंक सल्फाइड को क्या बोलते हैं, स्फुरदीप्त पदार्थ। जिंक सल्फाइड को स्फुरदीप्त पदार्थ, जब इससे यहाँ से कीड़े, जब ऋणात्मक प्लेट से कीड़े निकलकर धनात्मक प्लेट पर पड़ती हैं तो उससे जो इसके परखनली के अंदर जो भरा हुआ है जिंक सल्फाइड, उसमें से क्या होता है नीले हरे रंग का प्रकाश उत्पन्न होता है। तो इन नीले रंग का जब प्रकाश उत्पन्न हुआ तो ये पता लगाया गया कि कीड़े निकल कहाँ से रही है, तो निकल रही है माइनस ऋणात्मक प्लेट से। तो इस ऋणात्मक प्लेट को, इस ऋणात्मक कीड़े जो निकल रही हैं यहाँ से और वो किस पर जाके टकरा रही हैं, प्लस वाली प्लेट पर, तो इन ऋणात्मक कीड़ों को क्या नाम दिया गया, कैथोर कीड़। क्या नाम दिया गया, कैथोर कीड़। और ये कैथोर कीड़ किससे बनी होती हैं, ये छोटी छोटी कीड़े, ये एकदम छोटे छोटे कण, ऋणात्मक छोटे छोटे ऋणात्मक द्रव्य कणों से बनी होती हैं, एकदम छोटे छोटे ऋणात्मक द्रव्य कणों से। तो इन कीड़ों को क्या नाम दिया गया, कैथोड कीड़ नाम दिया गया। और इन कैथोड कीड़ों को स्टोनी ने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया। इन्हीं कैथोड कीड़ों को स्टोनी ने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया। तो सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन के जन्मदाता या इलेक्ट्रॉन के नामकरण कौन किए थे, स्टोनी किए थे। ठीक, ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन की खोज। सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन की खोज किस तरह हुई, अब इलेक्ट्रॉन के गुण क्या है ये देखेंगे हम लोग। कैथोड किरण या इलेक्ट्रॉन, कैथोड किरण को हम इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, अगर कभी आ जाए कि कैथोड किरण के गुण बताइए, और तो कैथोड किरण के गुण अगर कभी देते इलेक्ट्रॉन के गुण बताइए, तो जो इलेक्ट्रॉन का गुण है वही कैथोड किरण का भी गुण है। इलेक्ट्रॉन को ही कैथोड किरण को ही इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। आप देखेंगे कैथोड किरण या इलेक्ट्रॉन के गुण, ये कीड़े सीधी रेखा में गमन करती हैं तथा इनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। ये कीड़े सीधी रेखा में गमन करती हैं, ये दिख ही रहा है आपको, ये कीड़े सीधी रेखा में गमन करती हैं और इतनी तेज गति से जाती हैं जितना प्रकाश का वेग के बराबर है होती है। अगला है, इन कीड़ों में यांत्रिकी प्रभाव होता है, परखनली के अंदर किसी प्रकार का छेपड़ी वाहन लगा दे पर। यांत्रिकी प्रभाव मतलब जैसे परखनली है, ठीक, ये परखनली है, ये कीड़े निकल रही हैं, कीड़े हम अभी मिटा देते हैं। ठीक, ये परखनली है, ठीक, ये कीड़ों में यांत्रिकी प्रभाव, परखनली के अंदर किसी प्रकार का छेपड़ी पहिया लगा देने पर घूमने लगता है। जैसे परखनली के अंदर हम एक फैन लगा देते हैं, इन कीड़ों में यांत्रिकी प्रभाव। अब ये जो जैसे होता है, ये पंखा लगा है और इससे क्या निकल रही है, कीड़े निकल रही हैं। जब यहाँ से कीड़े निकलती हैं तो क्या करता है, ये घूमने लगता है। ये जो पहिया है, ये जो फैन है, आपका पंखा कह सकते हैं इसको, छेपड़ी पहिया भी कह सकते हैं, पंखा भी फैन भी बोल सकते हैं। जब इस पर क्या होता है कि जब यहाँ से कीड़े निकल कर इस पर टकराती हैं, जब इस पर टकराती हैं तो यहाँ से क्या होता है कि ये पहिया जो ये
फैन जो है वो घूमने लगता है। तो ये फैन जो घूमने लगता है तो इससे हम कि इसे हमें क्या सिद्ध होता है कि इस पर क्या प्रभाव आता है, यांत्रिकी प्रभाव है। यांत्रिकी प्रभाव के कारण ये क्या होता है, इस पर यंत्र का प्रभाव है जिससे ये क्या होता है कि ये घूमने लगता है। ये किसके गुड़ है, कैथोड किरण के गुड़ है। जैसे इस पर कैथोड कीड़े निकलती हैं तो ये घूमने लगता है। जैसे कहीं भी फैन रखता है उसमें जब वायु की कीड़े आती है, जब प्रकाश वो हवा आता है तो वो घूमने लगता है। सेम वही कंडीशन यहाँ भी है कि जैसे ही इस पर ये कीड़े पड़ती है तो ये घूमने लगता है। तो जब ये घूमने लगता है तो इसमें यांत्रिकी प्रभाव होता है। किसका गुड़ है आप ये नहीं लिखेंगे तो सिंपल सा लिख सकते हैं कि जब परख नली के अंदर हम कोई छेपड़ी पहिया या कोई फैन रखते हैं तो वो कैथोड कीड़े के प्रभाव से घूमने लगता है। फिर ये कीड़े कांच की नली पर प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं। जैसे ये कीड़े वो तो पहले हम बता, जैसे ये कीड़े पड़ती हैं तो यहाँ से प्रकाश उत्पन्न होता है। फिर ये कीड़े विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती हैं। जैसे ये कीड़े यहाँ से निकलती हैं, सपोज करते हैं हम यहाँ हम दो विद्युत यहाँ क्या लगा देते हैं, ये विद्युत क्षेत्र हो गया, विद्युत प्लेट कह सकते हैं, और ये चुंबकीय प्लेट। ठीक, जैसे हम यहाँ पे दो धातु के प्लेट लगा दिए हैं जिस पर एक चुंबक क्षेत्र का प्रभाव हो रहा है और एक विद्युत क्षेत्र का प्रभाव हो रहा है। जैसे यहाँ से कीड़े निकलती हैं तो ये कीड़े जब यहाँ से निकलती हैं तो ये विद्युत क्षेत्र को प्रभावित करती है। मतलब ये इधर से सीधे ना जाकर किधर मुड़ जाती हैं, विद्युत क्षेत्र की ओर। किधर मुड़ जाती हैं, ऐसे विद्युत क्षेत्र की ओर। ठीक, जब विद्युत क्षेत्र की मुड़ जाती है और कुछ कीड़े कहाँ निकल जाती हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तरफ। तो इससे क्या प्रतीत होता है कि जैसे ये कीड़े जब निकलती हैं तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। जैसे ये कीड़े यहाँ से निकली तो यहाँ से किधर सीधे ना जाकर वो चुंबकीय क्षेत्र की तरफ मुड़ जाती हैं। फिर ये कीड़े अति सूक्ष्म ऋण आवेशित कणों से बनी होती है। तो दिख ही रहा है कि ये कीड़े किससे बनी होती है, ऋण आवेशित कणों से बनी होती हैं। ये कीड़े धातुओं की पतली पत्ती को पार कर देती है, पतली पत्ती को पार कर देती है तथा उसे गर्म कर देती है। ठीक, जैसे ही हम यहाँ पर कोई एक धातु की प्लेट रख देते हैं, कहीं पर भी रख दीजिए आप, इस परख नली पर। ठीक, पतली पत्ती जैसे सोना चांदी हो गया, उसकी पतली पत्ती को जब हम यहाँ पे रख देंगे, जब यहाँ से कीड़े निकलती हैं तो इसको पार करके आगे नहीं, बहुत पतली पत्ती होती है, मतलब बहुत धातु का पतला होता है, तो इसको पार करके आगे निकल जाती हैं। और जब इसको पार करके आगे निकलती हैं तो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। फिर है इन कीड़ों से यक्ष कीड़े निकलती हैं जिसका उपयोग चिकित्सा, इन जो कैथोड किरण होता है उससे क्या निकलती हैं, यक्ष किरण निकलती है। ये परख नली है, ठीक, इसके अंदर से हम विद्युत धारा का प्रवाह कर रहे हैं। जब इसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तो ये क्या होता है, यहाँ क्या भरा है, यहाँ हम क्या रखे हैं, कोई ठोस वस्तु रख, मान लीजिए आप पेन रखे हैं, यहाँ इसके रास्ते जब ये कीड़े यहाँ से गुजरती हैं और यहाँ हम क्या रखें, पेन रखें, तो इस पेन का एक क्या प्रतिदीप्ति, मतलब परछाई बना देती हैं। और वो परछाई कहाँ बनाती हैं, इसके पीछे ये जो प्लस वाला इलेक्ट्रॉन इस पर टकराती हैं। जब ये किरण यहाँ से निकलकर जब इस पर टकराती हैं, जब इस पर टकराती हैं तो ये जो हम ठोस पदार्थ रखें, कोई भी ठोस पदार्थ, इसका यहाँ पर क्या बन जाता है, यहाँ पर एक इसका प्रतिदीप्त बन जाता है। वो प्रतिदीप्त कहाँ बनता है, इलेक्ट्रोड के एनोड किरण के पीछे। इस किरण प्लस वाले किरण को क्या नाम दिया गया है, एनोड किरण, इसको आगे समझाएंगे। तो ये जो इसका प्रकाश, इसका जो प्रतिदीप्त है या सॉरी इसका जो परछाई आप कह सकते हैं, इसकी परछाई कहाँ बनती है, इस किरण के पीछे। तो हम क्या कह सकते हैं कि इससे जो किरण निकलती है वो किरण एक्सरे किरण निकलती है। कैथोड किरण से निकलने वाली किरण एक्सरे किरण है। जो कोई भी वस्तु अगर रास्ते में रखा है तो उसकी परछाई बनाते हुए निकलती है। इसीलिए इसका उपयोग किस में किया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में उसका जब हम एक्सरे करवाते हैं तो जब उसका परछाई बन जाता है तो पता चल जाता है कि कहाँ क्या हुआ। सेम ये किस किरण से होता है, कैथोड किरण से।